गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर का जो फर्स्ट पेपर है सेक्शन बी का, उसमें स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक है एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में क्या क्या संरचनाएं आती हैं? तो स्कल, स्कल जो है कपाल, इसे रखा गया है। कशेरुकीय प्राणियों में जो शीर्ष या सिर का भाग होता है वह उसका कंकालीय ढांचा करोटी या स्कल कहलाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं में कपाल मस्तिष्क कोश या क्रेनियम तथा जीभ की उपास्थियों से बना होता है। इलेस्मोब्रैंक फिशेज में मस्तिष्क कोश तथा ऊपरी व निचले जबड़ों की शलाखाओं से कपाल बनता है। इसी तरह टीलियोस फिशेज से लेकर मैमल्स में स्कल का निर्माण मस्तिष्क और ऊपरी जबड़े की कुछ अस्थियों के समेकन से होता है। कशेरुकी प्राणियों में कपाल के निर्माण में निम्नलिखित तीन भ्रूणीय रचनाएं भाग लेती है। फर्स्ट इज न्यूरोक्रेनियम, या जिसे कोंड्रोक्रेनियम भी कहते हैं। सेकंड इज स्प्लैक्नोक्रेनियम। थर्ड इज डर्मेटोक्रेनियम। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कोंड्रोक्रेनियम, या जिसे न्यूरोक्रेनियम कहते हैं। यह है क्रेनियम अथवा मस्तिष्क कोश और तीन उपास्थि से बने कैप्सूल, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ओटिक से बना होता है, जो एंटीरियर रीजन होता है। और इसमें स्कल में ये तीन मस्तिष्क कोश और तीन उपास्थियों से बना हुआ कैप्सूल, जैसे ऑल्फैक्टरी यानी कि जो गंध का ज्ञान देता है, ऑप्टिक दृष्टि देखने के लिए, ऑटिक श्रवण संवेदी से बना होता है। यह संपूर्ण भाग सभी प्राणियों में कार्टिलेज से निर्मित होता है। कार्टिलेज फिशेज और अग्नेथा जंतुओं में तो यह जीवन पर्यंत उपास्थि से ही बना रहता है, किंतु जो बॉनी फिशेज और टेट्रापोड जंतु होते हैं, इनमें आंशिक रूप से या पूर्णतः बोन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है या बोनी हो जाता है। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, स्थलीय वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें जो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन पाया जाता है उसका एक विभाजन दिखाया गया है। तो हम एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे थे, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्केलेटन दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो कौन सी संरचनाएँ एक्सियल में रखी गई हैं? पहला है स्कल, जिसकी मैंने अभी बताई आपको। तो इसका फर्स्ट पार्ट है न्यूरोक्रेनियम, जिसमें क्या क्या संरचनाएं आएगी? ब्रेंकियल मस्तिष्क कोश या क्रेनियम। सेकंड संवेदी कोश, जिसमें ग्रांड द्रक और ऑप्टिक, ये जैसे कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑटिक, ये संरचनाएं इसमें सम्मिलित है। सेकंड डर्मेटोक्रेनियम, जिसमें स्कल की डर्मिस अस्थियाँ आती है। थर्ड स्प्लैक्नोक्रेनियम, जिसमें आंतरांगी चापे या ग्रसनी चापे, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, हायोड आर्चेज एंड जो कंठ वाली होती है बॉन्स, वह शामिल की गई है। इसी तरह से एक्सियल स्केलेटन, इसमें वर्टिब्रल कॉलम में कशेरुकाएं, जिसमें नेक रीजन की थोरेक्स, लंबर और सैक्रम एंड टैल रीजन की बॉन्स को, जो भी वर्टिब्री है, रखी गई है। थोरेसिक बास्केट, इसमें रिब्स एंड गर्डल्स जैसे पेयर्ड उपास्थि, अस्थि और स्टर्नम, जिसमें जो भी रिब्स होती हैं उनको सम्मिलित किया गया है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, गर्डल्स एंड लिम्स बोन को रखा गया है। गर्डल्स में यहाँ पर पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स रखी गई है। तो पेक्टोरल गर्ड में इसके पुला, जो कि डोर्सल, क्लेविकल, एंटीरियर, कोरेकोइड, पोस्टीरियर भाग में होती है, एंड पेल्विक ईलियम, जो कि डोर्सल भाग में, प्यूबिस, एंटीरियर, एस्ट्रियम, पोस्टीरियर भाग में होती है। इसी तरह से लिम बोन जो होती है, हाइंड लिम में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड
जो उंगलास्थियाँ होती है फ्लैंजिजेस उनको रखा गया है। इसी तरह से फोर लिम्ब पश्चपाद जो होता है उसमें फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिजेस को रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन, जिसमें फर्स्ट हमने कही न्यूरोक्रेनियम एंड सेकंड जो है स्प्लैंकनोक्रेनियम, ये है आंत्रांगी कंकाल से उत्पन्न होती है और उपास्थि से बना होता है। हायर वर्टिब्रेट्स में यह बोन्स द्वारा रिप्लेस किया जाता है। यह मूलतः गिलों का आलंबन होता है। नेथोस्टोमेटा में इससे जबड़े और सस्पेंशन का निर्माण होता है। थर्ड इज डर्मेटोक्रेनियम, इसमें डर्मल बोन्स होती है जो कि बोनी फिशेस एंड टेट्रापोड में कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़ जाती है। साइक्लोस्टोमेटा एंड इलेस्मोब्रेंक हायर वर्टिब्रेट्स में डर्मेटोक्रेनियम नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉन्ड्रोक्रेनियम के परिवर्धन की बात करेंगे कि कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। तो कॉन्ड्रोक्रेनियम के परिवर्धन की क्रिया को हम चार अवस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोटोकॉर्डल, पैराकॉर्डल एंड प्रीकॉर्डल स्टेज। सेकंड इज सेंस कैप्सूल स्टेज। थर्ड इज फ्यूजन स्टेज। फोर्थ अपग्रोथ एंड रूफिंग ओवर स्टेज। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं नोटोकॉर्डल, पैराकॉर्डल एंड प्रीकॉर्डल स्टेज क्या होती है। तो कॉन्ड्रोक्रेनियम के परिवर्धन की प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था समानांतर जाति वृत्तीय इतिहास को दर्शाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नोटोकॉर्ड के पाए जाने के बाद मीजेनकाइम कोशिकाएं मस्तिष्क और नोटोकॉर्ड के अग्रभाग के चारों ओर एक झिल्लीदार आवरण बना लेती हैं। इस झिल्ली के भीतर उपास्थि बनती है। इसके एक जोड़ी उपास्थि प्लेटें बनती है जिन्हें पैराकॉर्डल कहते हैं। ये प्लेटें नोटोकॉर्ड के पार्श्व में मस्तिष्क के नीचे की ओर बनती हैं और पैराकॉर्डल के सामने ही मीजेनकाइम से एक जोड़ी वक्र उपास्थिल शलाकाएँ बनती है। इन्हें ट्रेबिक्यूला और प्रीकॉर्डल कहते हैं। ये मस्तिष्क के अग्रभाग के नीचे उपस्थित होती है। यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ड्रोक्रेनियम। तो ए भाग में देखिए सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड और ये प्लेट यहाँ पर पैराकॉर्डल कार्टिलेज प्लेट का निर्माण होता है। ये इसी के साइड में यहाँ पर ऑप्टिक कैप्सूल, ऑडिटरी वेसिकल्स, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइपोफाइसिस, फोर ब्रेन, कार्टिलेज, प्री कॉर्डल एंड ऑलिफैक्ट्री सैक, ऑलिफैक्ट्री कैप्सूल, ब्रेन का निर्माण होता है।